प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है, एक जीवंत प्रक्रिया है। यह ऐसा ही है जैसे अगर आप मिट्टी को भोजन में बदल दें तो हम उसे कृषि कहते हैं, आप भोजन को मांस और हड्डी में बदल दें तो हम उसे पाचन या एकीकरण कहते हैं, अगर आप मांस को मिट्टी में बदल दें तो हम इसे अंतिम संस्कार कहते हैं, या अगर आप इस मांस को, यहां तक कि पत्थर या खाली स्पेस को एक दिव्य संभावना में बदल सकें तो उसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। आज आधुनिक विज्ञान आपको बता रहा है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है जो लाखों अलग अलग तरीकों से खुद को प्रकट कर रही है। अगर ऐसा है तो जिसे आप ईश्वरीय तत्व कहते हैं, जिसे आप एक पत्थर कहते हैं, जिसे आप एक पुरुष कहते हैं, जिसे आप एक स्त्री कहते हैं, जिसे आप एक पशु कहते हैं, जिसे आप एक दानव कहते हैं, ये सब कुछ एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। तो बात सिर्फ तकनीक की है। अगर आपके पास जरूरी तकनीक है तो आप अपने आसपास के साधारण स्थान को एक दिव्य उल्लास में बदल सकते हैं। आप बस एक चट्टान के एक टुकड़े को लेकर उसे देवी या देवता में बदल सकते हैं। तो ये है प्राण प्रतिष्ठा की तकनीक। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में जीवन के इस आयाम के बारे में बहुत ढेर सारा ज्ञान कायम रखा गया है और इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि चाहे आप कुछ भी खाएं, आप कैसे भी हों, चाहे कितना भी जिएं, लेकिन आपके जीवन में एक पल आएगा जब आपको ये जरूरत महसूस होगी कि आप सृष्टि के स्रोत के संपर्क में आना चाहते हैं। और अगर ऐसी संभावना पूरी धरती पर नहीं बनाई गई, अगर ये संभावना हर इच्छुक इंसान के लिए उपलब्ध नहीं हुई, तो वो समाज इंसान को सच्ची खुशहाली देने में असफल रहेगा। क्योंकि आप किस तरह के घर में रहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपका घर चाहे 10,000 स्क्वायर फुट का हो या सिर्फ 1,000 स्क्वायर फुट का, इससे आपके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर आप एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान के आसपास हैं तो उससे आपके जीवन में जबरदस्त फर्क आएगा। इसीलिए हम ये संभावना सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा सपना है एक दिन पूरी दुनिया को, मानवता को प्राण प्रतिष्ठित स्थानों में रहना चाहिए। आपका घर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपकी गली प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए और आपका ऑफिस प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप जहां भी समय बिताते हैं उन स्थानों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। इसमें एक तरह की सुंदरता है। आपके विकास को डार्विन के पैमाने पर अटके पड़े रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहते हैं तो आप छलांग लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। इस साल 9 अक्टूबर को हम नाग प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। बैंगलोर सेंटर में सबसे पहले जिस चीज की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो नाग है। आपने योग केंद्र में नाग की तस्वीर देखी होगी। योग केंद्र में मौजूद नाग प्राण प्रतिष्ठित नहीं किए गए हैं, क्योंकि उन्हें ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसी जगह पर रखा गया है कि इनके ठीक पीछे 3 ठोस पारे के लिंग हैं और ध्यान लिंग भी है, वो इन सभी के साथ एक सीध में है, तो वो अपने आप विकसित होगा। लेकिन बैंगलोर वाले नाग में एक बीज कोश है जिसे ठोस पारे से बनाया गया है। इसकी एक संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो व्यक्ति बोध को बढ़ाना चाहता है उसके लिए नाग बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आपकी शारीरिक आंखों से भी अगर आप 50% बेहतर देख पाए, अगर आप 50% बेहतर सुन पाए, आपकी सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने की शक्ति 50% बेहतर हो जाए, तो क्या आपका जीवन काफी बेहतर होगा, चाहे बात शारीरिक ही हो? हाँ, तो अगर आप उन चीजों को देख और महसूस कर पाए जो भौतिकता से परे हैं, तब जीवन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसा बातें सुनने से और जानकारी जमा करने से नहीं होता। नहीं, जानकारी कुछ समय के बाद एक बोझ बन जाती है, बोध। तो इसीलिए
सबसे पहले हम नाग की रचना कर रहे हैं।